बहादुरगढ़ में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने 3 कर्मचारियों के तबादले का विरोध जताया। बता दें कि काम में कोताही बरतने के आरोप पर कर्मचारियों का तबादला किया गया था, जिससे नाराज कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग के एक्सीएन दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कर्मचारियों पर आरोप है कि पानी की समस्या को लेकर तालाबों में पानी पहुंचाने के लिए तीनों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन तीनों कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी नहीं की, जिसे लेकर जेई की शिकायत के बाद एक्सीएन ने अधिकारियों को लिखित शिकायत दी। कर्मचारियों का कहना था कि अगर जल्द ही यह आदेश वापस नहीं लिए गए तो उनका यह धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा, जिसके बाद कर्मचारियों का तबादला वापस रखने का आश्वासन दिया। हमारी ये मांग है ना, ये हमारे 3 साथी थे जो कि ऑन ड्यूटी, और सरकार ने इनकी एक्शन और एसडीओ और जेई के कहने के बावजूद शिकायत बेस पे इनकी ट्रांसफर कर दी, जो कि ऑन ड्यूटी लगातार चल रहे थे, अपने काम में संभाल रहे थे। तो उसके बाद इनकी बदली होने के बाद में हमने एक्शन साहब से बात की, तो वो बोला कि मैं इनकी बदली ट्रांसफर नहीं रोकूंगा, जो तुमने करना हो कर सको। लेकिन आज जो हमने अपना नोटिस दिया था 1 तारीख को, 28 तारीख को हमने नोटिस दे दिया 27 को कि जी हम या तो हमारे जो स्टाफ के कर्मचारी हैं उनकी बदली रोकी जाए, नहीं तो हम सरकार और आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पीछे पानी आजकल पानी की शॉर्टेज है गाँव के फंड्स वगैरह भरने के लिए, तो क्रिटिकल फंड्स थे 2-3, उस पर ड्यूटी लगाई थी जेई के साथ, जेई इंचार्ज के साथ 2-3 बेलदार थे। तो जेई से मेरे मैसेज आया भाई वो ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर रहे, तो इनकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट की थी। अब आए हैं, इन्होंने माफ़ी मांगी है लिखित में कि भाई आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, तो इनको एक मौका दे के इनको वापस ड्यूटी पर ले रहे हैं।